अब देखिए, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प से आप ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए पावर एन बी पावर एम, देखिए यहाँ पर एन और एम में कोई रिलेशन नहीं है, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये लैंग्वेज आपका रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए रेगुलेशन आप लिख सकते हैं ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक। लेकिन मान लीजिए अगर इसकी लिमिट को हम कर देते हैं एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो फिर इसके लिए रेगुलेशन हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक, तो उस केस में भी ये रेगुलर होगा। या मान लीजिए आप इसको कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो फिर इसके लिए रेगुलर एक्सेप्शन हो जाएगा ए ए ए एस्ट्रिक बी 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 एस्ट्रिक। तो चूंकि इस केस में भी आपने रेगुलर एक्सेप्शन लिख दिया है, तो इस केस में भी ये आपका रेगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपकी प्रॉब्लम केवल ऑर्डरिंग की है, तो यहाँ पर ऑर्डरिंग आप इसको ऑर्डरिंग आप कर सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से, तो आपका रेगुलर हो जाएगा। या मान लीजिए आपकी लैंग्वेज है ए पावर पी बी पावर क्यू एंड सी पावर लेट से आर, वेयर पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेयर पी कॉमा क्यू कॉमा आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये भी आपका रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि आप इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी एस्ट्रिक, तो ये लैंग्वेज आपका रेगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। या मान लीजिए आपकी लिमिट है पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो फिर उसके इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी सी एस्ट्रिक। अब चूंकि रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लिख दिया है, तो ये लैंग्वेज भी आपका रेगुलर हो जाएगा। तो अगर आपकी प्रॉब्लम केवल ऑर्डरिंग की है, जैसे पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है फिर सी आ रहा है, तो उसको आप फाइनाइट ऑटोमेटा से सॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब जैसे कि इस लैंग्वेज को देखिए, ए पावर थ्री एन प्लस फोर बी पावर टू एम प्लस फाइव, ये आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगा, क्योंकि इसके लिए आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। पहली बात तो ये देखिए कि यहाँ पर ऑर्डरिंग है, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, और आपका यहाँ पर ए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी में आपका कोई भी यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ ए भी ज्यादा हो सकते हैं और नंबर ऑफ बी भी आपके यहाँ पर ज्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर कंपेरिजन नहीं है, यहाँ पर केवल आपका ऑर्डरिंग है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि आप एन की वैल्यू जब यहाँ जीरो पुट कर देंगे, तो आपके मिनिमम फोर ए आपको चाहिए, तो ये मिनिमम फोर ए आपने यहाँ पर लिख दिए। फिर नंबर ऑफ ए आपको थ्री के मल्टीपल में चाहिए, तो इसको लिख देंगे थ्री एस्ट्रिक। फिर यहाँ पर जब एम की वैल्यू आप जीरो पुट करेंगे, तो आपको मिनिमम फाइव बी चाहिए, तो आपने फाइव बी लिखा थ्री फोर फाइव। उसके बाद नंबर ऑफ बी आपको टू के मल्टीपल में चाहिए, तो टू के मल्टीपल में लिख करके आप इसका क्लोजर लिख देंगे। तो ये लैंग्वेज आपका रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि आपने इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है। तो ये जो लैंग्वेज जो आप देख रहे हैं, ये लैंग्वेज आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, ए पावर एन बी पावर एम, और जहां पर कि आपका ये कंडीशन गिवन है। अब चूंकि देखिए ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है, फाइनाइट लैंग्वेज है, ठीक है ना, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। देखिए एन की वैल्यू एम से बड़ी नहीं हो सकती, या तो एन की वैल्यू एम के इक्वल हो सकती है, या एन की वैल्यू एम से छोटी होगी। तो ये यहाँ पर एक कंपेरिजन तो हो रहा है, लेकिन ये कंपेरिजन आपका इनफाइनाइट टाइम नहीं होगा, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक ये आपको करना पड़ेगा। तो फाइनाइट मेमोरी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि इस लैंग्वेज के लिए जो आप स्ट्रिंग्स बनाएंगे, वो स्ट्रिंग्स आपकी फाइनाइट होंगी, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ऑल फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर। तो चूंकि ये फाइनाइट लैंग्वेज है, इसलिए ये लैंग्वेज आपका रेगुलर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज जो आप देख रहे हैं, ये लैंग्वेज आपका एक रेगुलर लैंग्वेज है, क्योंकि ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है। लेकिन अगर मान लीजिए हम इस कंडीशन को हटा दें, यहां से इस कंडीशन को हटा देते हैं, तो फिर चूंकि यहां पर ये जो आपका जो कंपैरिजन होगा, ये जो कंपैरिजन करके आप करेंगे, ये एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक नहीं होगा, फिर आप इसको इनफाइनाइट तक जाकर के चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एन की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, उसी तरीके से एन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो फिर अब ये फाइनाइट कंपैरिजन नहीं रह गए, तो आपका फिर ये फाइनाइट मेमोरी से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो फिर आप इसके लिए आप पीडीए आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, पीडीए आपको यूज करना पड़ेगा। तो अब यहां पर पुश एंड पॉप आपको क्लियर है, पुश एंड पॉप इस तरीके से क्लियर है कि क्या करेंगे आप, यहां पर ए आने पर स्टैक में आपको पुश करना है, और बी आने पर आपको स्टैक में बी आने पर आपको ए को पॉप करना है, ठीक है ना। और अब चूंकि नंबर ऑफ बी आपके ज्यादा होंगे नंबर ऑफ ए से, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग के प्रोसेस होने के बाद, स्ट्रिंग के प्रोसेस होने के बाद या तो स्टैक आपका एम्प्टी होना चाहिए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पास इनपुट में बी बच जाना चाहिए और स्टैक आपका एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो अगर ये केस होगा, तो हम बोलेंगे हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, अदरवाइज हम बोलेंगे स्ट्रिंग रिजेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है ना। तो अभी जैसे कि हमने बताया ए आने पर हम पुश करेंगे, तो थ्री ए आपके आएंगे, तो थ्री ए हमने पुश कर दिए, उसके बाद में आपको थ्री बी मिलेंगे, तो ये थ्री बी हमने पॉप कर दिए, स्टैक आपका एम्प्टी है, तो ये स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। या मान लीजिए हम ले रहे हैं ए क्यूब बी पावर फोर, उस केस में क्या करेंगे कि हम एक स्टैक लेंगे
थ्री ए आएंगे, इनको हम पुश करेंगे, उसके बाद में वन बी से इसको पॉप कराया, सेकंड बी से इसको पॉप कराया, थर्ड बी से इसको पॉप कराया, उसके बाद देखिए स्टैक आपका एम्प्टी हो गया है और बी इनपुट में हमारे पास बचे हुए हैं, तो ये स्ट्रिंग को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए अगर ये इसके अलावा अगर कोई केस होगा तो स्ट्रिंग आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने लिया हुआ है ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे 3a यहाँ पर पुश करेंगे, 3a पुश करेंगे, फिर इसको 2b से आप पॉप करेंगे। अब देखिए स्ट्रिंग आपका फिनिश हो चुका है लेकिन स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है, तो आपका ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग को आप एक्सेप्ट कब करेंगे, स्ट्रिंग को आप एक्सेप्ट तब करेंगे जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाए, और स्टैक जब आपका एम्प्टी होगा उस समय पर आपके पास इनपुट में बी बचना चाहिए, ठीक है ना। तो अब चूंकि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका वन कंपेरिजन हो रहा है, वन कंपेरिजन हो रहा है एंड पुश एंड पॉप आपके क्लियर है, वन कंपेरिजन हो रहा है एंड पुश एंड पॉप आपके क्लियर है, तो ये आपका जो लैंग्वेज हो जाएगा, ये लैंग्वेज हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। ये रेगुलर नहीं होगी लेकिन ये DCFL होगी। अब देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपका स्टैक एम्प्टी हो, ठीक है ना, हम रूल्स डिफाइन करेंगे, लेकिन जो हम रूल डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली अगर हम उस लैंग्वेज के सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट और उसके अलावा सभी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर पा रहे होंगे, तो फिर हम बोलेंगे कि आपका वो लैंग्वेज आपका DCFL हो जाएगा, अगर वहां पर क्वेश्चन पॉप क्लियर होंगे तो। जैसे कि इसी केस में देखिए, इसमें हमने जो रूल डिफाइन किया था वो रूल इस तरीके से डिफाइन किया था कि ए आने पर आप पुश करेंगे, बी आने पर आप पॉप करेंगे, और स्टैक अगर आपका एम्प्टी हो जाता है, स्टैक मान लीजिए अगर आपका एम्प्टी हो जाता है, तो उस समय पर या तो स्ट्रिंग आपका प्रोसेस हो जाना चाहिए या फिर स्ट्रिंग्स में आपके बी बचना चाहिए, ठीक है ना, केवल बी बचना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये लैंग्वेज DCFL है लेकिन रेगुलर नहीं है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए यहाँ पर वन कंपेरिजन है, आपका वन कंपेरिजन है और आपके पुश एंड पॉप क्लियर है, ए आने पर आपको पुश करना है और बी आने पर आपको पॉप करना है, ठीक है ना। और रूल यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, रूल यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ए आने पर हम पुश करेंगे, बी आने पर हम पॉप करेंगे, और यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या तो हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाए और उस समय पर इनपुट में केवल बी बचे, ठीक है ना, या फिर हमारा इनपुट फिनिश हो जाए और स्टैक हमें एम्प्टी मिले। अगर इसके अलावा कोई केस मिलता है तो उस स्ट्रिंग को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम थ्री केस लेते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं ए क्यूब बी स्क्वायर, सेकेंड लेते हैं ए बी स्क्वायर, और थर्ड लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये रूल हम लगाते हैं, 2a आया हमने पुश किया, 2b आया हमने पॉप किया, स्ट्रिंग हमारी प्रोसेस हो चुकी है, स्टैक एम्प्टी हो चुका है, यानी स्टैक के एम्प्टी होने पर हम ये चेक करेंगे कि या तो स्ट्रिंग हमारा फिनिश हो चुकी हो या फिर स्ट्रिंग्स में केवल बी बचे हों, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्टेड। तो ये स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में ए बी स्क्वायर को देखते हैं, ये स्ट्रिंग भी आपका इस लैंग्वेज में होगा, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए आने पर हमने इसको पुश किया और उसके बाद में बी आने पर हमने इसको पॉप किया, स्टैक हमारा एम्प्टी है और हमारे स्ट्रिंग में केवल बी बचे हुए हैं, तो ये स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्टेड। इसको देखिए, ए आने पर हमने पुश किया, ठीक है ना, तो ये ट्रिपल ए हमारे पुश हो जाएंगे, बी आने पर हमने इसको पॉप किया, अब देखिए आपका स्ट्रिंग हमारी फिनिश हो चुकी है लेकिन स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसलिए ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। या हमने मान लीजिए आपका बी ए लिया, बी ए लिया, तो आप स्टैक लीजिए, अब यहाँ पर देखिए बी आया है और आपका स्टैक क्या है, आपका एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग में आपके केवल बी नहीं बचे हुए हैं, आपका ए भी है, तो ये वाली स्ट्रिंग भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पुश एंड पॉप क्लियर हैं और आप इस काम को एक सिंगल स्टैक से कर पा रहे हैं और आपका जो कंपेरिजन है वो लिफो ऑर्डर में भी है, तो इसलिए ये लैंग्वेज आपका DCFL हो जाएगा लेकिन रेगुलर नहीं होगा क्योंकि इस काम को आप फाइनाइट ऑटोमेटा से नहीं कर सकते।